हाय एवरीवन, दिस इज अर्चिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी गार्लिक पोटैटो रोल्स, जो कि घर में बनाना बहुत ही इजी है। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, देन हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, देन हम इसमें डाल देंगे ब्लैक क्यूमिन यानी काला जीरा, देन हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन हम इस पानी देके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। देन हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देन हम एक बाउल में 2 ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। देन हम गार्लिक डाल देंगे फाइनली चॉप किए हुए। देन हम इसमें धनिया का पत्ता डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे और नमक, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन हम हमारा डो को निकालेंगे। देन हम इसके थोड़े हिस्से लेके एक रोटी जैसा बना लेंगे। मैं इसे बनने के लिए मैदा यूज कर रही हूँ। ये रेडी हो गई है। देन हम इसे कट कर लेंगे। इसे और साइड हिस्सों को हम निकाल लेंगे। ऐसे ही ऊपर और नीचे भी हम इसे कट कर लेंगे और बाकी का हिस्सा हम इसे निकाल लेंगे। देन हम हमारा जो स्टफिंग्स था आलू का, वो हम इसमें डाल देंगे इसे। देन हम इसे ऐसे रोल कर लेंगे। और इसके साइड में हम पानी और मैदा का जो मिक्सचर है इसे हम लगा लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। ऐसे ही मैं आपको और एक करके दिखाती हूँ। ऐसे ही स्टफिंग्स डाल देंगे और इसे हम इसे रोल कर लेंगे। साइड में मैदा और पानी का मिक्सचर इसे लगा लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे रोल। देन हम तेल लेंगे कढ़ाई पे, वो जो गर्म हो जाएगा हम इसमें हमारा रोल्स डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे दूसरी साइड में कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो रोल वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो हम इसे निकाल लेंगे। और ये हमारी रेडी हो गई क्रिस्पी गार्लिक पोटैटो रोल।